तो एक बार फिर हमारे बीच उस्ताद राकेश पंडित शंभू साहब मौजूद हैं। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि उस्ताद जी ने काफ़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग की है, हम उनसे ये गुजारिश करते हैं कि हमें कुछ नायाब गानों के बारे में हमारे फैंस को कुछ बताएं, और हो सकता है तो कुछ दिलचस्प किस्से या फिर कोई कहानी या कोई स्टोरीज उस्ताद जी आपको कुछ अगर हमारे फैंस को आप बताएं तो हमें खुशी होगी। ज़रूर, फिल्में तो मैंने आपकी दुआ से काफ़ी फिल्मों में गाया, और ये मेरी खुशनसीबी रही है कि करीब 27-28 साल रेगुलर मैंने बहुत अच्छी अच्छी फिल्मों में और बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए, अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम की, मेरी बहुत बड़ी खुशनसीबी है। और आज भी वो गाने एवरग्रीन हैं, आज भी वो गाने सदा बाहर लोग पसंद करते हैं। तो जैसे उसमें मोहरा तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त, वो बहुत मेरा हिट हुआ था। बड़े मियाँ छोटे मियाँ और तेरे मेरे सपने, गदर और प्यार के साइड इफेक्ट, दिल तोड़ के ना जा, ये बहुत अच्छा गाना हुआ था। नज़र किसना और ओमकारा नमक इश्क का, और सांवरिया में जो टाइटल सॉन्ग था देखो चांद आया, और इसके अलावा मकबूल में तू मेरे रूबरू है, वो जो हमने कव्वाली गाई थी, और गदर में था हम जुदा हो गए, और बड़े मियाँ छोटे मियाँ टाइटल सॉन्ग, और इसके अलावा जैसे तेरे मेरे सपने में रामा हो रामा गाया था मैंने, और इसके अलावा जैसे ये वंस अपॉन टाइम इन मुंबई में पीलू वाले गाने में मैंने कुछ शायरियाँ अशार गाए थे, और इसके अलावा दो दुनी चार फिल्म में एक कॉमेडी सॉन्ग है मांगे की घोड़ी, वो सिचुएशनल सॉन्ग था, वो गाया था, और गुजारिश का मेरा गाना शुक्रिया वो तेरा जिक्र है, वो बहुत मशहूर हुआ। तो इसके अलावा और भी बहुत सी फिल्मों में मैंने गाया, और इसके अलावा मैंने काफ़ी जिंगल्स में भी गाया, जिंगल्स जैसे एडवर्टाइज वगैरह होते हैं उसमें भी मैंने काफ़ी अलग अलग तरह के जिंगल्स में गाया, कई सीरियल्स में भी गाया, टीवी सीरियल्स वगैरह में, और कई जगह बैकग्राउंड में भी कुछ फिल्मों में या सीरियल में इस तरह के बहुत से ये होते हैं जो पीछे कुछ आवाज़ या गाना, तो उस तरह के भी सिचुएशनल मैंने बहुत अलग अलग उसको इस तरह से डिज़ाइन करते हैं, या एक सिचुएशन को क्रिएट करने के लिए जो पीछे एक जो पार्शर गायन या जिसे प्लेबैक सिंगिंग कहते हैं, बैकग्राउंड सिंगिंग टाइप, जी हाँ, उसमें उस तरह की जो फीलिंग डाली जाती है, जैसे खुशी का माहौल है तो या कोई मतलब अलग अलग, जैसे गम का माहौल है या जैसे युद्ध यानी वॉर का माहौल है तो उसमें किस तरह का मार्चिंग, जैसे गदर में मैंने गाया था, तो इस तरह के बहुत अलग अलग डिफरेंट तरह की चीज़ें मैंने की। और कई अभी तो आजकल YouTube पे सब हो गया, इससे पहले CD और कैसेट चलते थे, कई कैसेट कंपनियों के लिए भी मैंने गाया, जैसे टी सीरीज़ है, वीनस है, एक रॉयल म्यूज़िक कंपनी थी उसमें गाया, पॉलीग्राम में गाया मैंने, और HMV के लिए भी मैंने गाया, टिप ये टाइम्स म्यूज़िक के लिए भी काफ़ी मतलब मैंने गाए। तो ये तो मेरे फिल्मों का है। और आपने पूछा कि कोई किस्सा या कोई अपना एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस तो बहुत ज़्यादा हुए हैं लाइफ में, और ऐसे ऐसे किस्से, रियल किस्से बने हैं जिससे बहुत कुछ सीखने को मिला, और उसी में से कुछ बातें आज आपके सामने एक किस्सा मैं शेयर कर रहा हूँ आप हमारे सब म्यूज़िक लवर चाहने वालों से, कि जिस वक्त हम मकबूल फिल्म का गाना डब हुआ था मैंने गाया था, और उसके बाद उसकी शूटिंग के लिए विशाल जी ने मुझे कहा कि इसकी शूटिंग में आपको रहना है और ये आपके ऊपर शूट किया जाएगा इसमें आपको, तो मैंने कहा विशाल जी मुझे तो शूटिंग के बारे में एक्सपीरियंस नहीं, बोले नहीं कुछ नहीं करना, आप जैसे गाते हैं और वो सब हम आपका शॉट ले लेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो वो आधी फिल्म बॉम्बे में बनी थी, आधी फिल्म भोपाल में बनी थी, तो भोपाल हम लोग गए और वहाँ पे कोई बादशाह हैं उनका किला था,
आज भी है, वो थोड़ा सिटी से आगे गांव साइड में, तो वहाँ वो विलेज में वो उनका किला बना था, तो उन्होंने पूरा सेट बना के दरगाह बना दिया उसको, और वहाँ पे एक चौपाल था जिसको उन्होंने स्टेज बना दिया, और फिर हमें भी कपड़े वगैरह पहना के, मतलब सूफी के जो होते हैं जिस तरह से, वो पहना के और हमको साज बाज दे के बिठा दिया, और मतलब शूट करना था। तो मैंने उनसे कहा कि हारमोनियम जो लाइएगा वो अच्छा बजने वाला लाइएगा, मतलब वो ताकि उसमें हम कुछ गा बजा भी सकें, सिर्फ वो खाली दिखावे का ना हो बल्कि। तो उन्होंने कहा ठीक है, और हमारे साथ जो म्यूजिशियन थे बहुत अच्छे इंडस्ट्री के आर्टिस्ट हैं, वो भी एक ढोलक पे थे, तबले पे थे, कुछ लोग थे हम लोग, तो हमारा एक ग्रुप था, सारे लोग थे उसमें, काफ़ी लंबा चौड़ा वो एक, आज भी याद है वो। तो उस वक़्त जब हम गाने के लिए बैठे, शूट हो रहा था, और एक बहुत अच्छी बात रही कि मेरी वजह से कभी भी उसमें रिटेक नहीं हुआ, यानी मेरे लिए मूवमेंट और जो मेरे जो भी एक्शन होते थे वो इतने मतलब नॉर्मल अच्छे होते थे कि वो उन्होंने कहा कि नहीं आपकी वजह से, बल्कि जो पीछे है उनकी वजह से कई बार रिटेक हुए, लेकिन क्योंकि मैं पक्की तैयारी मतलब मैंने की हुई थी। और तो क्या हुआ कि बीच में एक दो दिन तो शूटिंग चली, दो तीन दिन में वो गाने की शूटिंग होनी थी, तो एक दिन ऐसा हो गया कि बादल आ गए, और बादलों की वजह से वो शूट बंद करना पड़ा। उन्होंने कहा कि जब तक ये बादल नहीं हटेंगे तब तक ये जो है कैमरा ये शूटिंग पकड़ेगा नहीं, तो वो बंद कर दिए और सब उस पर पर्दा डाल दिया, और वो सब बैठ गए, और चौपाल में इरफान खान हीरो बड़ी बड़ी आँखों वाले, मुझे आज भी वो उनका एक सीरियल आता था आश्चर्य दीपक, और तब्बू जी, और मतलब काफ़ी लोग थे सारे, पंकज कपूर जी भी थे, पीयूष मिश्रा जी भी थे, अजय घई जी भी थे, एक मौसमी करके थी वो, मतलब काफ़ी लोग थे, वो सब आकर के बैठे, और उन्होंने कहा कि राकेश जी कुछ सुनाइए आप। तो मैंने कहा कि मैं क्या सुनाऊँ, मैं हारमोनियम हाथ में था तो मैं कुछ बजा रहा था, और मेरे साथ भी जो तबले ढोलों पे होते वो लोग भी कुछ बजा रहे थे, और हम लोग आपस में ही कुछ मतलब कुछ ना कुछ बजा गा रहे थे ऐसे ही। तो विशाल जी को क्या सूझा, विशाल जी ने कहा राकेश जी आप कोई कवाली सुनाइए आपके फादर की। तो मैंने कहा क्या सुनाऊँ, बोले कि ख्वाजा गरीब नवाज को आप लोग बहुत मानते हैं, और आपको वहाँ से आपके फादर को नवाजिश हुई थी, और आप भी गाते हैं बखूबी, तो आप एक ख्वाजा गरीब नवाज की कोई कवाली आप सुनाए जो आप दरगाह पे गाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है सुनिए। तो मैं वो गा रहा था, और गाते गाते कोई मौसम नहीं था, ऐसी बरसात हुई है वहाँ पे, ऐसी बरसात, और करीब आधे घंटे में वो गाता रहा, और आधे घंटे तक कंटिन्यू बरसात होती रही, और विशाल जी का पता नहीं कहाँ है। आधे घंटे बाद विशाल जी, जब मैंने वो बंद किया उसके बाद विशाल जी आए, और उन्होंने कैमरे उठाए, उन्होंने कहा राकेश जी, मतलब उन्होंने मेरा धन्यवाद किया, और उन्होंने कहा कि आपने मेरे 5 लाख रुपए बचा लिए। तो मैंने कहा कि मैंने आपके 5 लाख कैसे, मतलब बोले आपने मेरा फ़ायदा करा दिया। मैंने कहा कैसे, बोले आपने ऐसी चीज़ गा दी कि बरसात हो गई, और मुझे एक आधे घंटे का शॉट लेना था, और अगर मैं वो नकली बारिश कराता उससे तो मेरा 5 लाख खर्चा होता, तो आपकी कवाली की वजह से आपने जो गाया उससे बरसात हो गई, और मेरा वो खर्चा बच गया, और वो शूटिंग मैंने आप गाते रहे, और मैंने कहा कि आप गाते रहिए, और मैं शूटिंग मैंने ले ली, क्योंकि मुझे पता था कि इस वक्त आपकी आवाज़ का कुछ ऐसा कनेक्शन कुदरत के साथ हुआ है कि ये बारिश हो रही है। तो मैंने कहा जी अगर ऐसा है तो ये बहुत बड़ी ऊपर वाले की मेहरबानी है कि ये उसी की मेहरबानी से हुआ है, और हो सकता है कि जो किले में जो बादशाह हैं, क्या पता इनकी रूह खुश हुई हो, इनकी दुआ लगी हो, या क्या पता हमने ख्वाजा गरीब नवाज की शान में गाया हो तो गरीब नवाज की वहाँ से दुआ हुई हो, या कोई फरिश्ते। तो मैंने कहा ये तो जिनकी शान में हमने गाया है ये वो जाने, ऊपर वाला जाने, हम तो नहीं जानते। तो इस तरह का एक्सपीरियंस भी हुए हैं। तो ये गाना बजाना ऐसी चीज़ है कि इसमें कभी कभी कुछ ऐसे सुर लग जाते हैं कि ऐसा हो सकता है कुदरत के करिश्मे से। तो बिल्कुल, ये तो बहुत ही नायाब एक्सपीरियंस है जो कि हमारे फैंस लोगों ने ना इसके बारे में कभी सोचा होगा ना सुना होगा। तो ये हम सब फैंस लोगों के को शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से हम शुक्रगुजार हैं, और ऐसे कई और एक्सपीरियंसेस लेकर हम हमारे फ़ैन क्लब और यूट्यूब पे हमारे जितने भी नाज़रीन हैं
उनको हम रेगुलरली ऐसे इंटरव्यूज़ देते रहेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप और इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ अपने फिल्म करियर के बारे में और हरफन मौला उस्ताद राकेश पंडित शंभू साहब का हम सब फैंस तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमको ये मौका दिया कि हम आपकी ज़िंदगी के बारे में कुछ जानें और आपका बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद थैंक यू सो मच